हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का प्यार मिला मेरे दो ब्लॉग में, उसके लिए बहुत थैंक यू। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं आप लोगों के भी साथ ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरे फैमिली हैं। तो खुशी का दिन ये है कि आज आरवी का मुंडन होने जा रहा है। तो सुबह हो चुकी है, का काम ख़त्म करके आरवी का मुंडन के लिए जाना है। यहीं पास में शिव मंदिर है, वहाँ हम लोग कर रहे हैं उसका मुंडन। हम लोग को वैसे तो जाना था देवघर, पर इतना मौसम धूप होने के वजह से हम लोग उस प्लान को कैंसिल कर दिए हैं। तो हम लोग यहीं पर शिव मंदिर में कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को देखें, मेरे फैमिली भी मेरे साथ रहना चाहती हूँ। तो आगे बने रहिए। तो चलिए फिर मैं तैयार हो जाती हूँ, लेट भी हो रहा है, फटाफट मिलते हैं मंदिर में। आगे बने रहिए। ना लगे खाए या ना खाए, पर इसको तो खाना जरूरी है। ये चला आता है अपने खाना खाने के लिए। रुपू, आरवी को साथ में नहीं खिलाएगा, सो रही है, बुलाओ बाहर। तो अब हम लोग मंदिर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप आसपास कितना सुहावना मौसम है, और ऊपर से इतने अच्छे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ पर सिंचाई के लिए भी पाइप लगाया गया है, देख सकते हैं आप। ये मंदिर जाने का छोटा सा रास्ता बनाया गया है, बोल सकते हैं आप, पीच किया हुआ है जैसा, और अगल बगल फूल पौधे लगाए गए हैं वेलकम के लिए। भगवान शिव का ये बहुत प्राचीनतम मंदिर है, आरवी के दादा के पिताजी के टाइम से है ये, बोला जाता है। तो आप देखिए कितना अच्छा गेट भी लगाया गया है जो फूलों का है। अब देख सकते हैं आप, मंदिर आ गया है, और मंदिर के अगल बगल भी देखिए किस तरह का माहौल है। यहाँ पर हर तरफ छाया है, पेड़ है, यहाँ पर गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है कि गर्मी भी है। तो इससे बाहर जब निकलने आ रहे थे तब बहुत गर्मी लग रही थी, पर यहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा है। देख सकते हैं मंदिर कितनी अच्छी लग रही है एकदम। चलिए मैं आपको मंदिर को जूम करके दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर डिजाइन है, और पिलर्स भी, मतलब इसका कलर हमको इतना अच्छा लगा कि क्या ही बताएं आपको, बहुत सुहावना कलर लग रहा था, एकदम नेचर से मिलता जुलता। और अगल बगल भी देखिए पूरा सुहावना सा एकदम अच्छा। तो हमारा पूजा हो चुका है, यहाँ पर आरवी भी का भी मुंडन हो गया है। हम माफ़ी चाहेंगे कि आप लोगों को पूजा करते हुए नहीं दिखा पाएँ, क्योंकि उस वक्त पूजा कर रहे थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। पर अभी देख सकते हैं आप अगल बगल कैसा माहौल है, और यहाँ बजरंगबली का, और यहाँ गाना जो बज रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, पूरा मन मधुर हो जा रहा है, झूमने को मन कर रहा है। मैंने सभी जगह पूजा किया, बजरंग बली का भी पूजा किया, शिव जी का भी पूजा किया, और अगल बगल का भी मौसम का नज़ारा का मज़ा लिया, बहुत मज़ा आया हमको तो यहाँ पर। आप, आई थिंक आपको भी मज़ा आ रहा होगा देख करके, देखिए आप भी। और यहाँ पर जो घर दिख रहा है, यहाँ पर पंडित या फिर कोई बाहर से आते हैं पूजा करने के लिए, वो लोग रहते हैं, खाना बना के खाते हैं। और देख, लगाने के बाद अब आरवी की लग गई है छोटी सी भूख, तो चलते हैं हम इसके लिए खाना बनाने, मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। ये हम भी क्या खा रही है बेटा? माजा पी रही है, वो भी अपना बोतल में। हाँ, थोड़ा उठा दीजिए। मजा आ रहा है, पूरा मजा आ रहा है। ले का, 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 कौन का, पीटा का, का। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये भुंजा खा रही है अपने से लेकर के, कितने प्यार से खा रही है, देखिए। क्या ढूंढ रही आरवी? गिर गया है। अच्छा, गिरा हुआ छोड़ दो, तुम कटोरी से खाओ। हेलो गाइज, हम आप सभी को ले जा रहे हैं अपने खेतों की ओर। आज हम अपने खेत दिखाना चाहेंगे आप सभी को।
तो चलिए देखते हैं क्या क्या लगा है खेतों में और पौधों की पहचान करते हैं। तो फिर आइए चलते हैं कि देख सकते हैं आप यहाँ पे साग लगा हुआ है। ये अभी छोटा है, पालक साग है, तो लेकिन इसका कुछ दूर में बड़ा भी हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर डीप सिंचाई का भी सुविधा है, इसलिए बड़े बड़े थंबों में लगाया गया है पौधों को। देखिए पूरे दूर तक लगाया गया है। और मैं आपको जूम करके भी देख सकते हैं कितना सुहावना हो रहा है। इतने अच्छे मौसम में हमको आप सभी को अपना खेत दिखाने में बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा देखने में। हम लोग का अनार का पेड़ है जो कि कभी खा नहीं पाते हैं, हम लोग दूसरे को ही तोड़ के ले जाते हैं। तो हम फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं नेचर को आपको दिखाने के लिए लाई हूँ। और ये तो आम का पेड़ है जो ऊपर चला जा गया है लेकिन अभी तक फल नहीं आया है। और ये छोटे छोटे केले के पौधे, जिससे मैं एक केला का पौधे पे फल आ चुका है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। देख सकते हैं आप ये रहा जिसमें फल आ चुका है। और सिर्फ केला ही नहीं, केला होने के बाद इसके फूल को भी हम खाया सब्जी बना के खा सकते हैं क्योंकि इसकी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है अच्छे से बनाने के लिए से। अगर उसकी रेसिपी जाननी है आपको तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूं उस पर। ये जो झाड़ू हम लोग मार्केट से ख़रीदते हैं फूल वाली, वो हम लोग यहाँ उगाया करते हैं। देख सकते हैं इसका पौधा भी बड़ा हो रहा है। कुछ दिन पहले ही इसे काटा गया है झाड़ू बनाने के लिए, तो फिर जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर से काटा जाएगा। ये आपको जो दिख रहा है जंगली पत्ता जैसा कुछ, इसको मांद बोलते हैं। ये ज़मीन के अंदर होता है, इसको ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, देख सकते हैं आप, और बनाया जाता है सब्जी। इसकी सब्जी टेस्टी होती है। झींगा का पौधा है, देख सकते हैं आप, इस पे एक फूल भी आ चुका है। और ये भिंडी का पौधा है, ये पौधा है जो गवार फली का है, जो अभी फूल भी दे रहा है, फल तो आने में भी ले। और ये झींगा का पौधा है, बोदी का है, बरबटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पौधा है। देखते हैं आप, हवाएं चल रही हैं, आंधी आ रहा है, इसलिए हम लोग घर जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना।